भाई पूरा का पूरा बैंकॉक याद आ गया यहाँ पे तो। व्हाट अ प्लेस भाई, यहाँ पे तो बंदा आके पूरा दिन स्पेंड कर सकता है। तो यार बाहर यहाँ पे आपको बड़े फेमस फेमस कैफेज दिख जाते हैं, 18 कम्यून है, विराट कोहली का आगे ढाबा है, एंड भाई देखो भाई क्या लग रहा है भाई, फर्जी कैफे वगैरह है भाई, मैंने तो इतनी सुंदर चीज़ नहीं देखी भाई। ये हम नीचे वाले पॉइंट पे आ गए। अच्छा वार्नर की फ़ोटो वोटो लगी हुई है भाई, ये नई दिल्ली है। हाय दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आप सोच रहे होंगे आपका भाई आपको कौन सी नई जगह लेके आया है एंड ये कौन सी कंट्री है। सो ये कोई नई कंट्री नहीं है, ये अपना आमची दिल्ली है। एंड आप देखो यार दिल्ली कितना फ्यूचरिस्टिक एंड अमेजिंग हो चुका है। इस टाइम हम हैं दिल्ली की एरो सिटी में, एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ वर्ल्ड मार्क में। हम इस टाइम है वर्ल्ड मार्क 1 के अंदर, मैं आपको पूरी जगह दिखाने वाला हूँ एंड क्या बढ़िया वाइब है इस जगह की, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी मम्मी के साथ आया हूँ, आपको मम्मी से भी मिलवाता हूँ, कुछ बातें मम्मी से भी करो एंड इस पूरी जगह का वॉक थ्रू हम करने वाले हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। हाय गुड इवनिंग पीपल, तो ये बहुत ही अच्छा इवनिंग होने वाली है बिकॉज मैंने सुना था इसके बारे में। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग दिस प्लेस, तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसी रहती है हमारी इवनिंग और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कवर करने के लिए, तो बस देखते हैं। चलो आप भी हमारे साथ चलो, लेट्स एंजॉय। दोस्तों इस टाइम हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे वर्ल्ड मार्क के, एंड यहाँ पे अभी वैसे तो टोटल में 7 वर्ल्ड मार्क जो खुल चुके हैं बट एक्टिव अभी 3 हैं, तो देखते हैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर फ्रेंड्स। सो ये देखो यार कितनी बढ़िया इन्होंने ना यहाँ पे डिज़ाइनिंग करी हुई है वर्ल्ड मार्क की। लाइटिंग देखो, कलर्स देखो कितने सुंदर हैं। बहुत सारे यहाँ पे आउटलेट्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हो। दिस इज़ अ कैफ़े, प्रीत मैनेजर, ओके डिफरेंट कैफ़े, मैंने तो नाम भी नहीं सुना यार इसका। साथ में आप देखो ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, एसेंचर वगैरह, तो बहुत ही मतलब यार सही वाइब है, अलग फील है। ये देखो ये क्या है, मिनी मिनी सोई आई थिंक, ये बाहर का कोई ब्रांड है। ये देखो यार वर्ल्ड मार्क 1 के अंदर ये सारे आपको आउटलेट्स मिल जाते हैं। पंजाबी ग्रिल, यहाँ पे बैठ के आप मस्त खाना पीना अपना एंजॉय कर सकते हो। कंपाई आई थिंक एक एशियन रेस्टोरेंट है कंपाई, उसके बाद आपका चायोस भी है यहाँ पे, तो ठीक है यार। बाकी रोजियट हाउस के एकदम साथ है वर्ल्ड मार्क 1। यार वर्ल्ड मार्क 2 में हम एंटर हो चुके हैं एंड यहाँ पे सारे फेमस कैफेज रेस्टोरेंट्स वगैरह है, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं भाई। ये देखो यार, अगर देखो यार ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस वर्ल्ड मार्क 2, ब्यूटीफुल भाई। तो चलो एक्सप्लोर करें। हाँ जी लेट्स गो, मज़ा आ रहा है, लवली, और थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी हो रही है। मम्मी कह रही है बारिश चालू हो गई है भाई, बारिश चालू हो गई है, बूंदाबांदी भगवान ने सुन ली है, तो मज़ा आ रहा है यार बारिश में वॉक करके। मज़ा आ रहा है, कहीं ऐसा कहीं बारिश में वॉक करके ऐसा तो नहीं लग रहा मानसून आ गया, कहीं हम गोवा पहुंच गए हैं? मैंने कोई प्लान तो नहीं बता दिया अपने सब्सक्राइबर्स को? मे बी, लेट्स सी, बने रहो चैनल पे, क्या पता आपको हम गोवा भी ले जाएं। मम्मी का बर्थडे आने वाला है, बर्थडे मंथ चालू हो गया मेरी मम्मी का, तो देखो कहाँ जाते वाले हम बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो यार बाहर यहाँ पे आपको बड़े फेमस फेमस कैफेज दिख जाते हैं, 18 कम्यून है, विराट कोहली का आगे ढाबा है, एंड भाई देखो भाई क्या लग रहा है भाई, फर्जी कैफे वगैरह है भाई, मैंने तो इतनी सुंदर चीज़ नहीं देखी भाई। यहाँ पे देखो लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, बातें बूते कर रहे हैं, व्हाट अ प्लेस भाई, यहाँ पे तो बंदा आगे पूरा दिन स्पेंड कर सकता है, इतनी बढ़िया लग रही है। ढाबा इस्टेब्लिश्ड इन 1986, वैसे रजौरी वाला ढाबा है वो भी बहुत बढ़िया है, आपको वो भी दिखाएंगे, बट अभी आप यहाँ की वाइब देखो भाई, फर्जी कैफ़े, कॉस्टा कॉफ़ी, एंड ये भी सही है यार, अब देखो कितना डेवलप एंड हैपनिंग होती जा रही है जगहें। हम आपको लेके गए थे 32 एवेन्यू, वो भी बहुत सुंदर जगह लगी थी एंड इक्वली गुड मेरे को ये भी जगह लगी है ना, वेरी नाइस, रियली नाइस, एंड इट्स सो सच अ नाइस इवनिंग, और वॉक करके भी ना अगर आपको यहाँ पर चिल करना है तो बहुत ही मज़ा आ सकता है, यू नो इट्स अ वेरी वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, बढ़िया जगह है यार, मतलब हाँ सही में वॉक करके तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक तो बारिश थोड़ी सी चालू हो गई है, बूंदाबांदी हल्की हल्की आपको दिख रही होगी, तो उससे भी वेदर काफ़ी रोमांटिक हो गया है, जगह भी मतलब इट इज़ प्रिटी नाइस यार, एक बार ही तो आना बनता है, मैं पहली बार आया हूँ एंड वर्ल्ड मार्क 2 ज़्यादा बेटर लगा मेरे को 1 से। क्या 2 इज़ बेटर?
ज़्यादा कैफेज हैं, ज़्यादा हैपनिंग है। ये देखो बियर कैफे वगैरह है यहाँ पे, आप अच्छा यू कैन एंजॉय आइसक्रीम्स हियर। आइसक्रीम पार्लर एक छोटा सा बनाया हुआ है, एक कार्ट आइसक्रीम की, पान चुस्की भी खा सकते हो, बनारसी चुस्की वगैरह। आगे शोर भी है एंड फ्राइड प्लाजा, आई थिंक ये कोई होटल है तो उसके पीछे। बाकी द फेमस बियर कैफ़े, ये तो आपने हर जगह देखा ही होगा। बीजू बीजू, ये क्या है बीजू बीजू? आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली गाइज, प्लीज़ डोंट कोट मी। सही लग रहा है यार ये भी। सो, अगर मेरी तरह आप भी चलते चलते थक जाओ सारे वर्ल्ड मार्क्स को एक्सप्लोर करते करते, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बारिश हो रही है हल्की हल्की, वेदर इन्जॉय कर सकते हो। दिस इज़ अ सुपर प्लेस भाई। चलो अब चले दूसरी साइड भाई, ये वाली साइड तो हमने देख ली है, एक्सप्लोर कर ली है, और देखते हैं क्या है यहाँ। आप ये देखो यार, इन्होंने ना LED स्ट्रिप वगैरह पेड़ों पे भी लगाए हुए हैं, तो पेड़ भी कितने ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लग रहे हैं भाई। अपना दिल्ली भी ना किसी भी शहर देश से पीछे नहीं है भाई, प्राउड ऑफ माई इंडिया भाई। पान चुस्की बंटा, वाह। तो चलो अब चलते हैं दूसरी साइड में यार, क्या है यहाँ पे देखते हैं भाई। हरियाली ही हरियाली है, मतलब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड इतनी हरियाली, साथ में भाई ये वेदर हल्की हल्की बूंदाबांदी वाला, इट्स ग्रेट भाई। कोई नहीं कह सकता भाई ये बैंकॉक नहीं है यार। अभी हम बैंकॉक जब लास्ट गए थे ना, मेरे को तो बिल्कुल वैसी फील ही आ रही है जैसे बैंकॉक में ही है भाई, पूरा का पूरा बैंकॉक याद आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कुछ ग्राफिटी वगैरह ऐसा कुछ डिज़ाइन वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, एंड नीचे भी जगह है भाई। चलो नीचे लेके चलें आपको। सो भाई एस्केलेटर पे जा रहे हैं, आपको नीचे लेके चलते हैं, देखते हैं नीचे तो और ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, और बहुत सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, है ना? बैंकॉक याद आ रहा है कि नहीं? सही है यार, बढ़िया फील है। सो भाई ये देखो यार, ये हम नीचे वाले पॉइंट पे आ गए। अच्छा वार्नर की फ़ोटो वोटो लगी हुई है भाई, ये नई दिल्ली है। सो नीचे आप देखो यार, इस जगह का नाम है द स्क्वायर एरो सिटी। मॉडर्न बाजार वगैरह आपको दिख रहा है, चाय पॉइंट है, बाहर बैठ सकते हो आप। बढ़िया है यार, दिस इज़ नाइस, एक बारी तो आना बनता है। आज ट्यूसडे का दिन है जब हम आए हैं, क्राउड इतना नहीं है, भीड़ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ नाइस, एक बारी आना तो बनता है, एक्सपीरियंस करना तो बनता है। ये देखो कॉन्टिनेंटल कैफ़े, निकोबार, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें यार। ये पेस्ट्री हाउस है कोई, शुगर एंड स्पाइस, तो दिस इज़ कूल भाई। आप आ सकते हो यहाँ पे, टाइम स्पेंड कर सकते हो। दिल्ली का एक अलग ही पार्ट है यार ये, जो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये देखो ये एरो सिटी की सबसे फेमस, इन्होंने ये कोई डिज़ाइनिंग करी हुई है भाई, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस में देखा है, एंड बहुत ही सुंदर लगती है यार ये डिज़ाइनिंग, ब्यूटीफुल भाई। सो दोस्तों, जैसे अपना सिंगापुर का एयरपोर्ट बनाना, मेरे को तो वैसी फील आ रही है भाई, सिंगापुर आ गया हूँ, पूरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एकदम सेम है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगा भैया फिर से, कि अगर दिल्ली में हो तो यहाँ ज़रूर आना, अच्छी इस वाइब को ज़रूर इन्जॉय करना। देखो यार, डिज़ाइनिंग इज़ टू गुड भाई, अगर आप में से किसी ने सिंगापुर का एयरपोर्ट देखा ना, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही डिज़ाइन है यार, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स है सिंगापुर का। सो दोस्तों, ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी यार, मतलब दोनों वर्ल्ड मार्क के बीच में ना ये जगह बनाई हुई है, जहाँ पे आप आ सकते हो, आराम से चिल कर सकते हो। ऑफिस में जितने लोग हैं वो भी अपनी लंच ब्रेक बड़े बढ़िया तरीके से मनाते होंगे, यहाँ पे चिल करते होंगे, एंड अभी तो थोड़ी गर्मी लग रही है, बट ट्रस्ट मी सर्दियों में तो यहाँ की वाइब भाई नेक्स्ट टू नन होती होगी। दिस इज़ सो गुड यार, सो ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाता है इनका फूड कोर्ट। ये मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है हम वर्ल्ड मार्क 1 के अंदर ही जा रहे हैं। हाँ, ऊपर से आपको रोड क्रॉस नहीं करनी पड़ती, ये वर्ल्ड मार्क 1 के अंदर ही है, दोनों का फूड कोर्ट सेम ही है। तो चलो और देखें क्या है यहाँ पे, कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स भी हैं। वाओ यार, यहाँ की वाइब तो एकदम ही बदल जाती है। कवाली बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, वो है यहाँ पे दरियागंज भाई। ये शार्क टैंक पे आए थे, इनका बटर चिकन बहुत ही फेमस है भाई। भाई लुक एट दिस यार, भाई क्या फूड कोर्ट है यार भाई, पसीने पसीने हो गए। क्या कह रहे हो, डोनट्स की इतनी अच्छी, यू नो, फ्रेश फ्रेश बेकरी प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है ना, कि बस
बहुत ही मन ललचा रहा है। चलो एक डोनट हो जाए, डोनट हो जाए। आपको पहले डोनट दिखा दे, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करते फिर बातें करते हैं। सो भाई ऑनेस्टली दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यार, आई एम रियली लाइकिंग दिस एक्सपीरियंस। एंड मैंने थोड़ी ना शेव अपनी वो क्या कहते हैं थोड़ी कम रखी हुई है, दाढ़ी बियर्ड कम रखी है, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ कैमरा को देख के। एक बार बता रहा आपका भाई कैसा लग रहा है, ज़्यादा बड़ी बियर्ड अच्छी लगती है या ये वाली लुक? दीज आर फ्रेशली मेड डोनट्स, एक मेरा एक मम्मी का। दिस इज़ चॉकलेट फज आई थिंक, एंड ये एक हॉट चॉकलेट है। तो चलो ट्राई करके आपको बताता हूँ भाई। मम्मी गई हुई थी कवाली में बात करने, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे यहाँ का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट। तो मैंने थोड़ा वेट नहीं हुआ, डोनट खा लिया यार, आपको पता ही है यार मैं कैसा हूँ। सो ये चॉकलेट फर्स्ट तो भाई सुपर जूसी है। ये देख रहे हो कितनी चॉकलेट गिर रही है, सुपर गुड। आई थिंक मैंने इससे स्वाद डोनट नहीं खाया, हैंड्स डाउन दिस इज टू गुड भाई, टू गुड यार। सो मैंने कहा यार इतना अमेजिंग डोनट खा लिया, थोड़ी वॉक करी जाए एंड आपको दिखाया जाए यहाँ पे क्या है। और तो ये क्या है, टी बेयर करके कुछ है, एंड सैंड बर्गर्स। ये तो मैंने चंडीगढ़ में खाया था, दिस इज़ ऑसम, अच्छे बर्गर्स हैं। वाह यार, ये एक पूरी स्ट्रीट बनाई हुई है इन्होंने एक तरीके से, एशिया 7 स्ट्रीट फूड, बीकानेर वगैरह ये सब तो यार मतलब आम ही है। वाह, मोमोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह, तो काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं यार। आप आके यहाँ पे ना मतलब अपना आराम से टाइम स्पेंड करो, मंचिंग करो कुछ एंड इन्जॉय करो यार, और क्या। वाइब मेरे को बुरी नहीं लगी यार फूड कोर्ट की, काफ़ी सारे बढ़िया ऑप्शंस हैं, सबके लिए खाने के लिए कुछ है, चाइनीज़ भी है, फास्ट फूड भी है, सो इट्स प्रीटी कूल यार। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मज़ा आया वर्ल्ड मार्क देख के। आपको 1 और 2 दिखाया, 3 को मैंने कहा नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। अगर आप कमेंट करोगे जाके दिखाओ वर्ल्ड मार्क 3, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे, क्यों ब्रो? डेफिनेटली। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों मिलते हैं जल्दी से। आप नई सिटी के अंदर, दिल्ली बहुत घूम लिए, अब आपको लेकर चलते हैं बाहर जिस चीज़ के लिए हम फेमस हैं।